34 उसकी 37 तो पहले थी यहाँ और 40 थी उसकी और 10 साल से ना पॉलिस मिशन का कोई काम हुआ अभी होने जा रहा। जो लोगों को रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए थी यूथ को वो रिलैक्सेशन के बजाय उनका सत्यानाश कर दिया। आई एम सॉरी फॉर दैट। और आप देखिए जितनी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं हमारे बच्चों को जम्मू यूनिवर्सिटी नाम जम्मू यूनिवर्सिटी नाम IIT जम्मू के लिए IIM हर जम्मू के लिए मुझे बताओ जम्मू के स्टूडेंट को वहां पढ़ने की जगह नहीं मिली बच्चों को और खजल हो रहे हैं। हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? मेरा मैं टेक्निकली कह रहा हूँ 5-6 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर इनके नाने लगते हैं। सारे के सारे आउटसाइडर लगा दिए। हमारे सारे प्रोफेसर नलायक हैं क्या? और सारे बच्चे नलायक हैं क्या? यहाँ के जितने पढ़े लिखे लोग हैं आला नलायक। 12वीं पास वाले का इंटरव्यू रख दिया 13वीं दाखिल होने के लिए। 12वीं पास वाला 13वीं दाखिल नहीं हो रहा। जिससे पोजीशन कॉलेजों स्कूलों की स्टूडेंट की यूथ की जो हालत है सबसे निंदनीय है। और इससे किसान की जमीने जो इन्होंने छीनी इनके बाप की जमीन थी। ये ज्यादा सियाने बने जिसका एक्ट बना था कानून बना था कि जमीन जो है जो चलाएगा उसकी जमीन होगी। चलाने वाले की जमीन छीन लो आप। लाभ लगा रहे थे धान लगा रहे थे लोग उनकी जमीन छीन ली। बड़ी दूसरा नॉनसेंस। और रोते रोते खेतों से बाहर निकाला। क्या दिया क्या फैसिलिटेट किया? और ये हम प्रॉमिस करते हैं जिस दिन हमारी गवर्नमेंट बनेगी एक तो रिस्टोर करेंगे इसको स्टेट को और 370 लेंगे। वो हमारा अधिकार है लेंगे। अगर 12 स्टेट में 370 हमें मिलते क्या तकलीफ है? डोगरा सर्टिफिकेट चाहिए हमें। क्यों रोका हुआ है? क्यों नहीं दे पाए? डोगरा ने जो काम किया जो कुर्बानी दी उसे क्यों नहीं दिया पाए? इसलिए कहने का मकसद है कि हमें जमीन जिसकी छीनी है सरकार बनेगी वापस करेंगे आपको। जिस दिन सरकार बनेगी किसी की जमीन जाने नहीं दी जाएगी। दिस इज वेरी क्लियर।